गुड इवनिंग टू एवरी वन। आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस टॉपिक में हमने तीन एग्जाम्पल कर लिए थे, नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर फोर। फॉर एग्जाम्पल फोर क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द इक्वेशन साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी हैज सिक्स रूट्स एंड दैट द एंड दैट द Sum of six values of theta which satisfy it is equal to 8 is equal to an odd multiple and odd multiple odd multiple of pi radians. Pi radians. तो ये हम करेंगे। तो इसके लिए हमें एक तो किसका फॉर्मूला चाहिए, साइन थ्री थीटा का। तो साइन थ्री थीटा है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और दूसरा हम साइन थीटा का इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, टू टेंजेंट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर हम टेंजेंट थीटा बाई टू को टी मान लेते तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टू टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, वेयर टी इज इक्वल टू इसको माना हमने टेंजेंट थीटा बाई टू। ऐसे ही कोस थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वन माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई टू, ये क्या हो जाएगा अपने पास, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास वो क्या है, गिवन इक्वेशन है वो क्या है, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू ये गिवन इक्वेशन भी हमारे पास, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये गिवन इक्वेशन तो हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, द गिवन इक्वेशन द गिवन equation the given equation is क्या थी हमारे पास given equation, sin 3 theta is equal to a sin theta plus b cos theta plus c। ठीक है, और इसका formula क्या बताया था आपको, 3 sin theta minus में 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी। ठीक है, साइन थीटा की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू साइन थीटा एंड कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3
साइन का फॉर्मूला क्या बताया था, टू टेंजेंट थीटा बाई टू, और इसको हमने क्या मान लिया था, टी मान लिया, तो हम वो वैल्यू जो ऊपर कर चुके हैं उनको पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू थी, टू टी, टू टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर माइनस फोर, क्या आएगा, टू टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर का होल क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ए इंटू टू टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वेयर, और यहाँ होगा आपके पास बी इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर प्लस सी, यहाँ प्लस आए। आप देख रहे हैं कि सब जगह वन प्लस टी स्क्वेयर वन प्लस टी स्क्वेयर वन प्लस टी स्क्वेयर है, यहाँ पर एक हम एलसीएम लेके दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर आ गया सिक्सटी, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस के फोर, और एट यहाँ से आएगा तो कितना बन जाएगा, थर्टी टू टी क्यूब, लेकिन नीचे हमारे पास दो टर्म बच जाएंगे यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। यहाँ क्या होगा आपके पास, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, टू एटी, टू एटी यहाँ हो जाएगा आपके पास बी इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास सी इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है। फिर वापस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, और ये इंडिविजुअल टर्म बचेगी आपके पास माइनस के थर्टी टू टी क्यूब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा सिक्स टी इंटू में वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यहाँ क्या आएगा आपके पास थर्टी टू टी क्यूब, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, टू ए इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, फिर होगा आपके पास बी इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू में वन माइनस टी स्क्वेयर, और यहाँ हो जाएगा आपके पास सी इंटू वन प्लस टी स्क्वेयर का होल क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, और इनको हम कैसे करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद। देखो यहाँ टी की पावर फोर, एक ही फाइव हो जाएगा, यहाँ टी की पावर थ्री है, यहाँ फोर होगी, यहाँ आपके पास टी की पावर और फिर खोलेंगे तो फोर, लेकिन यहाँ आपके पास टू ऑलरेडी, तो सिक्स, तो मैक्सिमम आपके पास सिक्स आएगी, और यहाँ से भी आपके पास सिक्स आएगी बी और सी के टर्म में, तो आपके पास यहाँ से बन जाएगा बी माइनस सी, सिंप्लीफाई कर लेना अपने आप इसको, बी माइनस सी इंटू टी की पावर सिक्स, फिर आपके पास आएगा माइनस के टू इंटू में ए माइनस थ्री इंटू में टी की पावर फाइव, फिर होगा आपके पास यहाँ पर बी माइनस थ्री सी इंटू में टी की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर फोर, माइनस के फोर इंटू ए प्लस फाइव इंटू टी की पावर थ्री, नेक्स्ट होगा आपके पास बी प्लस थ्री सी माइनस के बी प्लस थ्री सी इंटू में टी स्क्वेयर, माइनस में टू इंटू में ए माइनस थ्री इंटू में टी, और कॉन्स्टेंट टर्म में आएगा आपके पास बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये टी की पावर सिक्स है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिक्स डिग्री, ठीक है। तो दिस इज an equation of
sixth degree, in T. That means tangent theta by 2. T क्या किसको माना था हमने? Sixth degree की है, किसमें? Tangent theta by 2 में. And hence 6 2, and hence this equation has 6 roots. 6 roots, ठीक है. तो मान लेते हैं कि 6 रूट कौन से हैं, हम मान लेते हैं इसके 6 रूट. लेट T1, T2, T3, T4, T5, T6. ठीक है. तो that means tangent theta 1 by 2, tangent theta 2 by 2, tangent theta 3 by 2, tangent theta 4 by 2, tangent theta 5 by 2, tangent theta 6 by 2. ठीक है, ये आपके पास रूट होंगे इसके. तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया यहाँ पर? सम ऑफ द रूट का मतलब हो गया समेशन ऑफ T1, T1 प्लस T2 प्लस T3. और ये क्या होगा आपके पास? माइनस के बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए में क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया. फिर ये क्या? 2 इंटू ए माइनस 3 डिवाइडेड बाई बी माइनस 6. ये तो सम ऑफ द रूट हो गया, मतलब एस वन हो गया. एस टू में क्या होगा आपके पास? समेशन ऑफ T1 T2. समेशन ऑफ T1 T2 में क्या होगा? माइनस के बी, फिर सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? बी माइनस में 3c डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास? बी माइनस सी. ठीक है. फिर होगा आपके पास S3. S3 में क्या होगा आपके पास? समेशन ऑफ T1 T2 T3, और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस फिर वही प्लस हो गया. 4 इंटू में a प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास? b माइनस में c. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा आपके पास? नेक्स्ट वन मतलब s4, और s4 में क्या हो जाएगा आपके पास? s3 का कर लिया हमने, s4 इक्वेशन में देख लीजिएगा. ठीक है. तो s4 आ जाएगा आपके पास. s4 में क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ t1 t2 t3 t4. ठीक है. और ये आएगा आपके पास माइनस का b प्लस 3c इंटू बी माइनस सी. और फिर नेक्स्ट होगा आपके पास s5. s5 में होगा समेशन t1 t2 t3 t4 t5. ये फिर माइनस का. ठीक है. तो s5 में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? माइनस का 2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये हो गया आपके पास 2 इंटू ए माइनस 3 डिवाइडेड बाय बी माइनस सी. और फिर लास्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और क्योंकि 6 ही है यहाँ पर, T1, T2, T3, T4, T5, T6. और लास्ट में था हमारे पास बी प्लस सी, लेकिन माइनस का होगा ये बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी. ठीक है. तो आपको क्या करना है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये निकालना है. तो आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगा लेते हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेंजेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2, थीटा 3 डिवाइडेड बाय 2, थीटा 4 डिवाइडेड बाय 2, थीटा 5 डिवाइडेड बाय 2, थीटा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल. क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास? ऑड है. s1 माइनस में s3 प्लस में s5, और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास? 1 माइनस में s2 प्लस में s4
माइनस में एस सिक्स ये फॉर्मूला लगा दूं और इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, ठीक है सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी सबकी एस वन एस टू एस थ्री छः के छः जो हमने निकाले हैं इन सबकी हम वैल्यू पुट कर देंगे और जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास पहले हम ये निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग। तो जैसे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हमें ये वैल्यू चाहिए तो न्यूमरेटर की वैल्यू एस वन, एस वन क्या था आपके पास टू इंटू में ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाई बी माइनस में सी माइनस एस थ्री, एस थ्री क्या था हमारे पास फोर इंटू में ए प्लस फाइव डिवाइडेड बाई बी माइनस सी और फिर क्या है प्लस एस फाइव और एस फाइव में हमारे पास था यहाँ पर टू इंटू में ए माइनस थ्री डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम तो सब में सेम है यहाँ पर और हम एलसीएम लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और आपके पास न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में क्या था एलसीएम बी माइनस सी। तो ऊपर आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया सभी टर्म्स को तो जीरो आ गया ये क्योंकि टू ए और टू ए फोर है और ये फोर ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ट्वेल्व और माइनस का क्या होगा थर्टी टू क्योंकि ट्वेंटी था तो माइनस के हैं सभी टर्म तो थर्टी टू डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। और अब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है वन माइनस में एस टू प्लस एस फोर माइनस में एस सिक्स तो वन माइनस एस टू, एस टू कितना था आपके पास बी माइनस में थ्री सी डिवाइडेड बाय बी माइनस में सी फिर प्लस एस फोर और एस फोर की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव थी तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ गया आपके पास बी प्लस थ्री सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। और नेक्स्ट में आपके पास क्या है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो अपने पास क्या आ जाएगी वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ गई अपनी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम ले लेते पहले और एलसीएम लिया हमने बी माइनस सी तो जैसे ही हमने एलसीएम बी माइनस सी लिया तो फर्स्ट टर्म पर वन थी तो बी माइनस सी हो गया ये क्या हो गया माइनस बी प्लस थ्री सी क्योंकि बाहर माइनस है ये आएगा आपके पास माइनस के बी माइनस का थ्री सी और ये आएगा आपके पास माइनस के बी माइनस का सी ये आपके पास रहेगा एक ही रहेगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ठीक है तो ये टर्म आपकी कैंसिल नहीं होगी यहाँ से और थ्री सी से थ्री सी कैंसिल हो गया आपके पास इस बी से एक बी भी कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी माइनस का सी है यहाँ पर यहाँ भी माइनस का सी है ये माइनस का बी है ये भी माइनस का बी है तो ये कुछ मिस्टेक कर दी हमने माइनस एस टू था यहाँ पर माइनस एस टू था तो ये माइनस का बी माइनस सी हो गया माइनस का बी प्लस का थ्री सी हो गया माइनस का बी माइनस का थ्री सी हो गया ये प्लस के टर्म थी हमारे पास तो ये साइन चेंज नहीं हो गए यहाँ पर ये प्लस रहेंगे यहाँ पर दोनों साइन बाय मिस्टेक माइनस हो गया ये बी से ये बी भी कैंसिल हो गया और सी से सी भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया जीरो ठीक है। और ये वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे कौन सी इक्वेशन में जो हमने लिखी थी टेंजेंट थीटा वन बाई टू प्लस टेंजेंट थीटा टू बाई टू प्लस टेंजेंट थीटा वन बाई टू प्लस थीटा टू बाई टू प्लस थीटा थ्री बाई टू प्लस थीटा फोर बाई टू प्लस थीटा फाइव बाई टू प्लस थीटा सिक्स बाई टू
न्यूमरेटर जीरो आ गया और डिनोमिनेटर आपके पास वैल्यू आई थी, और किसी भी नंबर को, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है, अच्छा डिनोमिनेटर में जीरो है और ऊपर आया था आपके पास माइनस का 32, जीरो माइनस 32 और ये था बी माइनस सी, तो ये आ गया समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, और टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, पाई बाय टू पर, तो ये आ गया आपके पास थीटा वन डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाय टू थीटा प्लस थीटा थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा फोर डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा सिक्स डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, टेंजेंट पाई बाय टू, ठीक है। और फिर हम इन्फिनिटी लगा देंगे टेंजेंट की, कौन सी इन्फिनिटी लगाएंगे टेंजेंट की, ये इन्फिनिटी आपने पढ़ी हुई है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, क्या था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये इन्फिनिटी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, थीटा वन बाई टू प्लस थीटा टू डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा फोर डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस थीटा सिक्स डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर पाई बाय टू, ठीक है। और एन क्या है, एनी इंटीजर, तो वेयर एन इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर एन है आपके पास कोई इंटीजर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर सॉरी प्लस थीटा फाइव प्लस थीटा सिक्स इज इक्वल टू टू, से हमने किया इधर ले आए टू को और ये बन गया आपके पास फाइव, ठीक है। और इसको क्या ले सकते हैं हम, टू एन प्लस वन इन टू फाइव विच इज ओड मल्टीपल ऑफ फाइव विच इज ओड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई, कैसे ये देखो ओड नंबर है यहाँ पर वन टू थ्री पुट करके देखो कोई भी इंटीजर, तो ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया आपके पास, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही करना था कि सम ऑफ क्या करना था, थीटा सेटिस्फाई इट इज इक्वल टू एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन, सम ऑफ सिक्स वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सम ऑफ सिक्स वैल्यूज ऑफ थीटा आपके पास ये आ गया, समझ में आ गया होगा, लास्ट एग्जांपल था इस टॉपिक का हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट इजी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था हमारे पास, एक इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास कि प्रूव दैट द इक्वेशन साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू ए साइन थ्री थीटा is equal to a sin theta plus b cos theta plus c has six root, इसके छह root बनेंगे, that the sum of six values of theta which satisfy it is equal to an odd multiple of pi, ये हमें प्रूव करना है जो छह वैल्यूज आएंगे उनका जो सम है हमारे पास वो ये होना चाहिए। तो आपको पता है कि इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन थ्री थीटा, तो सबसे पहले हमें साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थ्री साइन थीटा माइनस में फोर साइन क्यूब थीटा, फिर हमने क्या किया इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट साइन कोस पे फॉर्मूला लिख दिया, और ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हम इसमें वैल्यू रख देंगे, साइन थ्री थीटा की रख दी हमने, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने टेंजेंट वाला फॉर्मूले की वैल्यू रख दी, जहां भी टेंजेंट थीटा बाई टू था उसको टी मान लिया और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है हमारे पास टी की पावर सिक्स में आ गई, इसका मतलब इससे कितने रूट होंगे हमारे पास, छह रूट होंगे, ठीक है। और वो छह रूट हमने मान लिए टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स, दैट मीन्स हमने क्या माना था, टी किसको माना था टेंजेंट थीटा बाई टू, लेकिन सिक्स दे रखे तो थीटा वन बाई टू टेंजेंट थीटा टू बाई टू टेंजेंट थीटा थ्री बाई टू, लाइक इस तरह से हमने कर दिया। फिर सम ऑफ द रूट निकाला हमने एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स, ये भी हमने हम अलजेब्रा में पढ़ा था हमने कि कैसे हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने
इन वैल्यू से ये फॉर्मूला पुट किया जो हमारे टॉपिक में था, एन थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये था हमारे पास एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव डिवाइडेड बाई वन माइनस, ऊपर हमारे पास क्या होता है ओड होते हैं, ओड होते हैं और नीचे हमारे पास इवन है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और इन सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो पहले हमने न्यूमरेटर को सोल्व किया तो हमारे पास माइनस 32 डिवाइडेड बाई बी माइनस सी आ गया, और फिर डिनोमिनेटर भी किया तो ये हमारे पास क्या आ रही है, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो माइनस 32 डिवाइडेड बाई बी माइनस सी डिवाइडेड बाई जीरो, और एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपके पास क्या बन गया, ये टेंजेंट थीटा वन डिवाइडेड बाई टू प्लस टेंजेंट थीटा टू डिवाइडेड बाई टू प्लस थीटा थ्री डिवाइडेड बाई टू। ये जो टर्म थी हमारे पास यहाँ पर, ये जो टर्म है हमारे पास ये इक्वल टू आ गई हमारे पास टेंजेंट पाई बाय टू। दिस टर्म इज इक्वल टू क्या आ गई, टेंजेंट पाई बाय टू। और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है यहाँ पर। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या था आपके पास, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की जगह यहाँ पाई बाय टू आ गया और थीटा की जगह क्या हो गया हमारे पास जो सिक्स रूट थे वो आ गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। और जैसे ही हमने टू को इधर लाए तो हमारे पास ये आ गया, और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो आप देख रहे हैं कि पाई दोनों टर्म्स में हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्रूव करना था, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट एग्जाम्पल इसका बचा हुआ था, तो इसको हम इस तरह से करेंगे और नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।